आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा पकौड़ा। कीमा पकौड़ा के लिए मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, उसमें दो प्याज को कट कर दिया है, एक चम्मच अदरक पेस्ट लिया है, एक चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है, एक चम्मच नमक लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक मुट्ठी धनिया पत्ती, तीन चार हरी मिर्च, थोड़ा सा बिरयान और थोड़ा सा पका हुआ प्याज। ये देखिए बिरयानी मैंने इस तरह से बना लिया है। एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, सबको मैंने दे लिया है। अब कीमा को इस तरह से मैं मिक्स करूँगी। देख सकते हैं कीमा, मटन कीमा का मैं ये पकौड़ा बनाऊँगी। पहले कीमे को अच्छी तरीके से सारे मटेरियल को इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज पकौड़ा होगा। तो देखिए अब तेल इसका छोड़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने से यह कीमा बिल्कुल हल्का हो जाता है और इसका पकौड़ा बहुत ही अच्छा मेरा तैयार हो चुका। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी पकौड़ा के लिए। तो इस तरह से बोली बना के इस तरह से अंगूठा से प्रेस करते जाइए और यह टिक्की आपका बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा। और इसको लहसुन के बैटर में लपेट के फ्राई करूँगी। पहले मैं टिक्की बनाना दिखा देती हूँ कीमे का, उसके बाद बैटर बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से सारी टिक्की को तैयार कर लेना है पकौड़ा के लिए। बैटर के लिए मैंने बेसन 100 ग्राम लिया है, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर हाफ चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, लहसुन पेस्ट एक चम्मच, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले बैटर को तैयार कर लूँगी। बैटर ज़्यादा ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला, इस तरह का बैटर बनाऊँगी। इसमें खूब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी और डालूँगी। देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार हो चुका। थोड़ा सा और चला दूँगी ताकि इसका लंच जो है सारा ख़त्म हो जाए। उसने तेल भी डाल दिया है, तेल गर्म हो जाने पर कीमा का पकौड़ा बना लूँगी। कीमा का पकौड़ा मैंने टिक्की रेडी कर लिया है सारे को। हम बैटर में इस तरह से लपेट लपेट के, देखिए इस तरह से सारे पकौड़े को कितना क्रिस्पी हुआ है मेरा पकौड़ा, कीमा पकौड़ा। इसी तरह से सारे पकौड़े को फ्लेम पर पका रहे हैं ताकि अंदर का भी देख रहे हैं कीमा पक जाए। पका रहे हैं, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, कितना बेहतर है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा, आप ज़रूर बना के देखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें।